5 लाख बहाली स्वास्थ्य विभाग में, 1.5 लाख की बहाली। अरे भैया, जो बहाली निकला हुआ है उसको तो आप पूरा कीजिए, उसको तो आप पूरा नहीं करते हैं। कहते हैं कि 1.5 लाख बहाली करेंगे, अरे क्या बहाली, मेरिट भी बना दिए, मेरिट प्रकाशित भी कर दिए, फिर आप क्यों रोके हुए हैं? आपको तो चाहिए कि जल्द से जल्द इनको ज्वाइनिंग दिए ना। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुदामा सिंह है और मैं NM का हस्बैंड हूँ, मेरी वाइफ NM है, RVS की NM है, आज 7 साल से 8 साल से काज कर रही हैं। हाँ, आप भी इधर आ जाइए, बताइए आपका। 7 साल 8 साल से सर्विस कर रही हैं और बहाली जो 2018 में निकली 10,709 का, वो परमानेंट बहाली है और काउंसलिंग के आधार पर ही मेरिट बनाकर उसका ज्वाइनिंग कराना था। मेरिट भी बन गया, मेरिट प्रकाशन भी हो गया, आज तक काउंसलिंग नहीं हुआ। सरकार को चाहिए कि जितने भी अनुबंध पर NM है उनको तत्काल ज्वाइनिंग दे। मेरी उनको काउंसलिंग क्या कराना है? काउंसलिंग तो 8 साल से सर्विस कर रही है, उनका काउंसलिंग क्या बाकी है? उसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन बाकी है? जी नहीं, ये सरकार की दोगली नीति है। महिला चुकी है ये लोग, इसलिए परेशान किया जा रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जो महिलाओं की बात करते हैं, जो कन्या उत्थान योजना की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, और इस तरह का इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमारी सरकार से और स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से मांग है कि इन लोगों को तत्काल प्रभाव से नियुक्ति दिया जाए और जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। ये लोग परेशान हैं, क्यों रोड पर आ रही हैं, क्यों धरना प्रदर्शन कर रही है? 8 साल से कोरोना के समय तक उन्होंने अपनी जान और अपने परिवार की जान को जोखिम में डालकर इन्होंने सर्विस किया है, काम किया है, लोगों को जीवन बचाया है, और आज ये लोग अपने जीवन के लिए, अपनी मान सम्मान के लिए भटक रही हैं, क्यों? स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा किया था जब वो विरोधी दल के नेता थे, तो हम भी मिले थे, बहुत सारे लोगों के साथ मिले थे। उन्होंने वचन दिया था कि जो ही हमारी सरकार बनेगी हम इन सबको परमानेंट कर देंगे। आज जब मेरिट बन गया, काउंसलिंग की बात हो रही थी कि जी सम्मेलन हो रहा है गांधी मैदान के ज्ञान भवन में, व्यवस्था भी कर दिया गया था काउंसलिंग का, और फिर आज क्यों इतना परेशान किया जा रहा है? इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इन लोगों को ज्वाइनिंग दिया जाए। थैंक यू। क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार जो बात कही थी, जो वादा की थी, उस वादे से मुकरती हुई नजर आ रही है? अभी तो मुकरती आ रही है, और इसमें जो है स्वास्थ्य विभाग के जो बहुत सारे कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको पैसा चाहिए। आज भी बहुत सारे मीडिया के माध्यमों से पता चल रहा है कि परीक्षा होगी करके लोगों से पैसा लिया जा रहा है कि हम परीक्षा में पास करा देंगे। इस सब जो भावना उत्पन्न हो रही है, लोगों के मन में जो डर उत्पन्न हो रही है, NM के मन में जो डर उत्पन्न हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को फिर छांट दिया जाए, तत्काल प्रभाव से सरकार को चाहिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि इनकी नियुक्ति जल्द से जल्द दी जाए। तो कहीं ना कहीं सर आपने सुना होगा कि जब तेजस्वी की सरकार बनने वाली थी तो एक नारा दिया गया था, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। क्या आपको लग रहा है कि वो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार में आई है या नहीं आई है? अगर नहीं आई है तो आप लोगों को क्या लगता है कि कब तक तेजस्वी की सरकार में वो तेज रफ्तार आएगी जिस तेज रफ्तार की बात कर वो सत्ता में आए? दिग्भ्रमित अभी हैं। तेजस्वी जी के मन में है कि हम कुछ करें, लोगों के लिए करें, लेकिन अभी वो दिग्भ्रमित हैं कुछ अफसरों के कहने पर। हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि बोल्डली काम करें। आज बच्चे परेशान हैं, शिक्षक परेशान हैं, शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं, NM परेशान है, GNM परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। उस परेशानी को दूर कौन करेगा? जनता ने आप पर विश्वास किया है ना, आपको बहुमत दिया है, आपने महागठबंधन की सरकार बनाया, और आपको अब चाहिए कि आगे बढ़कर नेतृत्व करें और इन लोगों को इस सबसे मुक्ति दिलाएं। जल्दी है अनुबंध करीबी जितना आज 8 साल 10 साल से सर्विस कर रही हैं, क्या उनको अभी जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र भी है उनका आप मेरिट भी बना दिए, मेरिट प्रकाशित भी कर दिए, फिर आप क्यों रोके हुए हैं? आपको तो चाहिए कि जल्द से जल्द इनको ज्वाइनिंग दिए ना, डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दें, मंत्रिमंडल का बैठक बुलाएं और ज्वाइनिंग दे दें। जिनके पास 8 साल 10 साल का सर्विस है उनको फिर काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं है।
सरकार की मंशा आपको कैसी लगती है? अभी तो ढुलमुल की नीति है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, किसी तरह घींच कर हम वहाँ तक ले जाएं। 5 लाख बहाली स्वास्थ्य विभाग में, 1.5 लाख की बहाली। अरे भैया, जो बहाली निकला हुआ है उसको तो आप पूरा कीजिए, उसको तो आप पूरा नहीं करते हैं। कहते हैं कि 1.5 लाख बहाली करेंगे, अरे क्या बहाली करिएगा आप? 10,709 NM की जो परमानेंट बहाली निकली है, देखिए अब लालू यादव उनके पिता हैं, वो बीच में अपने पिता का नाम तो नहीं बदल सकते, नीतीश जी अपने पिता का नाम तो नहीं बदल सकते। आप नियम बदल दीजिएगा बहाली में, आपके अधिकार क्षेत्र में है, आप मनमाना करेंगे, आप सत्ता में हैं तो जो मन वो करेंगे आप, बताइए। आप जो बहाली 2018, हाँ इस बहाली को क्लियर कर दीजिए। क्या आपको क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव सत्ता में आने के बाद जो है अपना मनमानी कर रहे हैं? मनमानी तो शुरू हो गया है ना, आप पिछलगु बनकर कई दिन चलिएगा किसी का? अरे आप खुद स्टेप लीजिए ना जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास तो ताकत है, आप खुद निर्णय लीजिए कि नहीं, हाँ इन लोगों का जल्दी से जल्दी रिजल्ट प्रकाशित करें। तेजस्वी यादव किन के स्टेप को फॉलो करके चल रहे हैं? अभी मैं ये नहीं कह सकता। अभी तो आपने कहा ना कि वो खुद अपना स्टेप बने, पिछलगु बने हैं ना। इनका पिछलगु? आपका दूसरा कोई है यहाँ? कौन है? नाम मत खोलो, नीतीश कुमार ना, लाइए ना। बोलता मैं नहीं डरता किसी से, मैं नहीं डरता किसी से। और मैं नीतीश कुमार के इशारों पे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव नाच रहे हैं, ऐसा क्या? नहीं नहीं, नाचने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ वो थोड़ा सा लिहाज करते हैं, चाचा मानते हैं ना, पहले भी चाचा मानते थे, चाचा टांग खींच के नीचे गिरा दिए, फिर चाचा के साथ बच्चा आया। अरे बच्चा, अब बच्चा धीरे धीरे सियान हो गया, अब उसको अपना स्टैंड कायम करना चाहिए। जनता उसकी तरफ देख रही है, अब भविष्य उसकी तरफ देख रहा है। इसका पहले ज्वाइनिंग करा दे तब तो अगला बार से वो अपना परीक्षा लेते रहे। हम लोग सबको जीतना का स्कूटनी में नाम दिए हैं, वो सब कोई के कर दे, यही हम लोग का अति है। अच्छा एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव का तेज रफ्तार अभी तक बिहार में आया या नहीं आया? अभी नहीं आया है। कब तक आने की संभावना? आने की संभावना तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी नहीं आया है। दोस्तों वीडियो को पूरा आप देख लिए, ये आज का वीडियो है, आज का धरना प्रसंग का ये वीडियो है। देख लीजिए ANM के जो अभी संविदा पर 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनका ये पति है, और देख लीजिए जो सरकार के अंदर चल रहा है, विभाग के अंदर जो चल रहा है एग्जाम का लेके, और तेजस्वी यादव क्या कर रहा है उसके बारे में पूरा पोल खोल कर रख दिए हैं, जो कि वीडियो आप पूरा देखे भी हैं। ऐसे होना चाहिए, जो भी ANM कर्मी हैं जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं, और दूसरी बात जो स्टूडेंट है BTC ANM 10709 पोस्ट का, वो सभी स्टूडेंट जोर शोर से धरना में हिस्सा लीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, और उनके साथ अगर कोई पेरेंट्स जाते हैं तो पेरेंट्स भी सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, ताकि जल्द से जल्द सरकार भी मान जाए, विभाग भी मान जाए, और BTC ANM 10709 पोस्ट का काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू हो। जैसे देख लीजिए ये एक ANM के हस्बैंड जी है, जो कि सरकार के अंदर क्या चल रहा है, अभी तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं, विभाग क्या चाहता है, उसके अंदर में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, सारा चीज़ इस वीडियो में वो खोल कर रख दिए, सभी कुछ बताएं, जो जल्द से जल्द सभी जो 10 साल से कार्य कर रहा है ANM कर्मी, उनका काउंसलिंग के लिए भी डेट ज्ञान भवन में पड़ गया था, टोटल 48 दिन काउंसलिंग होगा, और उसके बाद कह रहे अब हम एग्जाम लेंगे, उसके लिए अभी भी पैसा इधर उधर होना स्टार्ट हो गया है, जो हम आपका एग्जाम पास करवा देंगे, जो कि खुल के पूरे सोशल मीडिया पर बोले हैं, और यह वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसलिए जितना भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देखते हैं, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जल्द सरकार तक पहुँचे और सरकार BTC ANM 10709 पोस्ट का काउंसलिंग शुरू करवाए, क्योंकि देख लीजिए पूरे वर्चर के जितना सरकार के अंदर चल रहा है, जितना विभाग के अंदर चल रहा है, पूरा खोल कर रख दिए इस वीडियो में, जो कि आज का वीडियो है, आज का धरना प्रदर्शन का यह वीडियो है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो बताना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट अभी तक 5 लाख बहाली स्वास्थ्य विभाग में, 1.5 लाख की बहाली, अरे भैया जो बहाली निकला हुआ है।